हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 जो कि कौन से रिलेटेड है। 13.3 में स्टूडेंट्स, आपको पहले मैंने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बता दिए थे, लेकिन फिर भी इस वीडियो में दोबारा से बता रहा हूँ। इस आप अगर यहाँ पर देखते हो तो ये आपके पास कौन है, इसके पास अपनी एक रेडियस है, एक स्लांट हाइट है एल, और एक है हाइट विच इज एच। इन सभी के सिम्बल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, नाम लिख दिया है। उसके बाद दो फॉर्मूलाज निकलते हैं सिर्फ यहां से। पहला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया, दैट मींस दिस वन एरिया। जैसे बर्थडे कैप होती है ना, ऊपर से तो खुली होती है बिकॉज सिर में पहननी पड़ती है, और ऊपर से वो क्या होती है, कोन बनी होती है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। सेम टू सेम जब आपकी आइसक्रीम कोन होती है, उसमें भी ऊपर से ओपन होती है क्योंकि आइसक्रीम फिल करनी पड़ती है, लेकिन साइड से क्या होती है, क्लोज्ड, तो उसका कौन सा एरिया काउंट होगा, क्लोज सरफेस एरिया, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसके बाद अगर वो क्लोज्ड है ऊपर से भी, कहां से क्लोज्ड है, जैसे कि आप अगर बात करें आइसक्रीम को फिल कर दो बिल्कुल कॉर्नर तक, तो क्या हो जाएगी, अंदर से पूरा बाहर तक फिल हो जाएगी और उसके सरफेस बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो उसमें क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, क्योंकि बेस कैसा है इसका, सर्कुलर बेस होता है, पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होगा। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकालू तो पाई आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट, एरिया की यूनिट कैसी होती है, स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे फॉर्मूलाज। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन आपको बहुत ज्यादा ईजी रहने वाला है बिकॉज बहुत क्या दिया हुआ है इसके अंदर, कि एक कोन है जिसका डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर और उसकी स्लांट हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपको स्लांट हाइट चाहिए सरफेस एरिया में, पाई आर एल, तो हाइट से काम नहीं चलेगा, किससे काम चलेगा, स्लांट हाइट से। ओके, अब आपको क्या कहा है, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी कि सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो जब आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो स्टूडेंट्स क्या रहेगा आपके पास, तो जब आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप इसमें जो भी चीजें आपके पास गिवन है वो लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल क्या गिवन आपके पास, डायमीटर, हेयर डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर को किससे शो करोगे, डी से शो करोगे, और इसकी वैल्यू कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। अगर डी आपका 10.5 सेंटीमीटर है तो आपका रेडियस कितना रहेगा, सो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन विच इज आर, वैल्यू कैसे दिखाओगे इसका, डी डिवाइडेड बाई 2, और वैल्यू कैसे आएगी 10.5 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, रेडियस। अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, 105 डिवाइडेड बाई 20, बिकॉज वो जो 10 ऊपर से आएगा डेसिमल का, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 20 बनेगा, और वैल्यू क्या है आपकी, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट जो आपके पास गिवन चीजें हैं वो है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, ऑफ कोन जो कि एल से डिनोट की जाती है, और वैल्यू कितनी है उसकी, 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या है, यहां पर एरिया का फॉर्मूला लिखना है बस, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और फॉर्मूला आपको तो पता ही है, पाई आर एल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यू रखेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर, R is equal to 105 divided by 20 and multiply by 10. यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 पे कैंसिल होगा, 7 भी कैंसिल होगा, 7 जा 7 एंड 7 5 जा 35. 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 15 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर रहने वाला है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से 165 क्या आ गया इसका आंसर, आ चुका है। इतना सिंपल आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर वन का। आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्वेश्चन नंबर वन में, बिकॉज सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, देखिए 3 से 4 लाइन का ही क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर टू। सेकंड क्वेश्चन काफी इजी है बिकॉज ये भी एक तरीके से डायरेक्ट है। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, स्लांट हाइट, एंड आपको क्या दिया हुआ है, बेस का डायमीटर, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है और स्लांट हाइट, और पूछा क्या है, टोटल सर्फेस एरिया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, वैल्यूज बस आपको क्या करनी है, पुट रखनी है। तो हमारा अगर सॉल्यूशन स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हेयर
जो भी चीजें आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन कितना है आपका, पहले डी से शो करेंगे वैल्यू कितनी है 24 मीटर। उसके बाद आपके पास क्या है, यहां से रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कोन जो आपकी रहेगी आर से शो करेंगे और डायमीटर को 2 से डिवाइड करने से आंसर आता है 24 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करने के बाद आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको स्लांट हाइट भी दी हुई है, स्लांट हाइट देने से आपका काम बहुत ज्यादा इजी हो गया, बिकॉज स्लांट हाइट ऑफ कोन वैल्यू एल से डिनोट करेंगे और वैल्यू कितनी है इसकी 21 मीटर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपका जो रेडियस था वो भी आपका मीटर के अंदर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें, जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है पाई आर एंड आर प्लस एल या एल प्लस आर, ये रहने वाला है फॉर्मूला। अब यहां से पाई की वैल्यू कितनी रहेगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बच्चे 12 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस आर, एल की वैल्यू कितनी है 21 और आर की वैल्यू कितनी है 12, यहां से आपका आंसर क्या आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 21 को 12 के साथ प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 2+1 3, 3+ यानी कि 33 आ जाएगा, ठीक है, 21+12 33। अब यहां से आपका 7 तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डिनोमिनेटर में, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 7 में आएगा, तो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करने तरफ मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका 8712, और आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 12.4457 मीटर स्क्वायर, और वो भी कैसा रहेगा अप्रोक्स, बिकॉज आपका 7 से डिवाइड होने पे जो पॉइंट्स है वो चलते रहते हैं, इसे एक तरीके से ये जो पॉइंट है ये अप्रोक्स पॉइंट है, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है, टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता है, आपने पढ़ा भी होगा इस चीज के बारे में। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन आपका इतना ही ईजी है जितने पहले दो, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसे पहले रेडियस निकालेंगे फिर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो जो भी चीजें आपके पास गिवन है पहले तो वो नोट डाउन करें, जैसे कि एक तो कर्व सरफेस एरिया गिवन है और दूसरा स्लांट हाइट गिवन है विच इज 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्लांट हाइट लिख सकते हो या फिर रेडियस को लेट कर सकते हो, जो हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ, लेट द रेडियस ऑफ कोन, और रेडियस कितनी लेट करोगे आर मानना पड़ेगा, ठीक है, और क्योंकि सारी यूनिट्स किसमें चल रही है सेंटीमीटर में, तो आर भी क्या हो जाएगा आर सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। एंड देन आपके पास क्या है, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोन, स्लांट हाइट ऑफ कोन कितना है आपके पास, स्लांट हाइट ऑफ कोन एल से डिनोट करेंगे और वैल्यू कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर, इजी। उसके बाद आपको कर्व सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब आपको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, पाई आर एल के इक्वल होता है, लेकिन इन्होंने एक्चुअल वैल्यू भी दी है, दैट इज 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। दिस इंप्लाइज अगर मैं यहां से अपना पाई आर एल को इक्वेट करूं यहां पर इसके कर्व सरफेस एरिया के साथ, तो मैं यहां से रेडियस आसानी से निकाल सकता हूं। तो प्लॉट करते हैं वैल्यूज, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर एंड मल्टीप्लाई बाय एल, एल की वैल्यू कितनी है 14, विच इज इक्वल टू 308। अब यहां से जो 7 है ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और 22 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 44, दैट मीन्स 44 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 308। अब आपको निकालना क्या है, अपना रेडियस, रेडियस निकालोगे तो जो आपके 44 आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या करना पड़ेगा, दूसरी साइड पे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने पर बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड जाते हुए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 308 डिवाइडेड बाय 44। जब आप इसे डिवाइड करोगे
तो स्टूडेंट्स आपका जो रेडियस आने वाला है, यहाँ से रेडियस आएगा आपका 7 सेंटीमीटर, जो क्योंकि ये जो 44 है ये कैंसिल करेगा इसे 7 पे, या आप छोटे छोटे नंबर्स में भी इसे कैंसिल कर सकते हो, और वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, या मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में भी आपको कट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4 से डिवाइड करो, 4 1 जै 4 एंड 4 1 जै 4, ठीक है, ऊपर की तरफ 4 7 जै 28, और यहाँ पर कितना बचा है आपके पास, 4 7 2 बच गया, फिर से 28 बन गया, तो 4 7 जै 28, ऊपर की तरफ 77, नीचे की तरफ 11, 11 7 जै 77, तो ये आंसर हमारा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। हमें दो पार्ट निकालने थे, पहला पार्ट तो यही था कि आपको रेडियस निकालनी थी, तो आ गया आपका आंसर रेडियस का। अब सेकंड जो पार्ट है आपका, उसमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना भी स्टूडेंट्स बहुत आसान है आपके लिए, वो किस तरीके से, चलो देखते हैं। बिकॉज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक है, आपको डायरेक्ट बस फॉर्मूला ही तो रखना है, उसमें और कुछ खास आपको कुछ करना ही नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन आप सबसे पहले क्या रखेंगे, पाई आर एंड ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है, ओके। अब यहां से वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, आर की वैल्यू क्या है, 7, एंड एल प्लस आर की वैल्यू जब आप अपलोड करोगे तो एल की वैल्यू कितनी है आपकी, एल की वैल्यू है 14 और आर की वैल्यू कितनी है 7, तो यहां से पहले तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, लास्ट में क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई बाई 14/7 कितना बनेगा, 21, ठीक है। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में, 462 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इतने आसान क्वेश्चंस थे, बहुत ही ज़्यादा, आई होप आप लोगों को समझ में भी आए होंगे और आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक में बिल्कुल अच्छी राइटिंग में नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में तो बस इतना ही।